स्वागत है भाई आज के इस बहुत ही मजेदार वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए भाई दो तीन गुड न्यूज होने वाले हैं, तो पूरे यार उस चीज को देख कर ही जाना। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। देखो बात ये है कि आज जो डेट है वो 11 नवंबर हो रहा है, और जस्ट परसों से भाई मेरा प्री बोर्ड चालू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को तो भाई देखो, मैंने भाई आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़े तो आप लोग तो बोल रहे हो कि मेरा दिसंबर में चालू होने वाला है। तो किसी का भाई प्री बोर्ड बस एक ही बार होता है, तो कोई बोल रहा है कि भाई मेरा मतलब प्री बोर्ड होता ही नहीं है, मतलब अभी नहीं, इस साल नहीं होगा, अगले साल यानी कि जनवरी के अंदर होगा। तो पता नहीं, आप देखो डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ बोर्ड्स के अंदर भाई लेट से भी प्री बोर्ड्स होते हैं, अभी बहुत लोगों का हाफ ईयरली भी चल रहा है, बट पता नहीं कैसे। तो देखो मेरे स्कूल में तो हाफ ईयरली भाई बहुत पहले हो गया, और अभी कल परसों से प्री बोर्ड चालू होने वाला है। तो भाई मेरा अगर आपको प्रिपरेशन बताओ तो पहला एग्जाम मेरा जो है वो AI एज यू ऑल नो। बट भाई एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो अपने एग्जाम के बीच में गैप्स है वो देखने को नहीं मिल रहे, कुछ एग्जाम के बीच में तो गैप ही नहीं, एक दिन भी गैप नहीं है, लगातार ही है। तो वही प्रॉब्लम है। बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, कि अपना जो फाइनली मैंने जो AI का प्रिपरेशन है वो ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया है, कुछ हद तक बचा हुआ, इसमें जस्ट मेरा एक चैप्टर जो बचा है, बाकी मेरा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। बट एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कंप्लीट तो कर लिया सब कुछ, लेकिन अब मुझे याद नहीं हुआ है कुछ भी, मतलब मैंने जस्ट रिवाइज मारा एक बार, अब मुझे एक बार अच्छी तरीके से याद करना है, तो वो मैं कल करने वाला हूँ। यानी कि भाई मैं कल शायद से स्कूल भी नहीं जाऊँगा। तो कल स्कूल नहीं जाने का भाई दो रीज़न है, पहला बात तो कि AI का सिलेबस पढ़ना है, और दूसरा बात कि कोई आएगा भी नहीं वैसे भी स्कूल, कल कोई नहीं आने वाला है। तो जो लोग आएंगे, क्योंकि भाई कल जो है अपना साइंस ओलंपियाड भी है जो कि अपना NSO है, तो उनके उनमें जिन्होंने उसमें नाम दिया वो लोग आएंगे, और मैंने जानबूझ के नहीं दिया, तो मुझे पता था भाई देखो डेट आता है ना वहाँ पे, डेट लिखा रहता है, और ये हाफ ईयरली वाला डेट था, मुझे लगा था कि पक्का एग्जाम के बीच में ही है। अब मान लो इनकेस अगर मेरा आज जो है वो मैथ्स का एग्जाम रहता और कल NSO रहता, तो मुझे दोनों पढ़ना पड़ता ना, या मान लो आज इंग्लिश, कल मेरा इंग्लिश रहता कल साइंस का रहता, तो मुझे दोनों पढ़ना पड़ता, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं दिया था। बाकी हर एक ओलंपियाड मैंने भी नाम दिया था, तो यही रीज़न है। बाकी कल तो स्कूल नहीं जाने वाला हूँ इस वजह से ही, और साथ में ही भाई अपना AI पढ़ना है, तो मज़े तो आने वाला है। बाकी एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मेरा कितना बचा है, उसके बाद मैं आपसे आपको दिखाऊंगा। ये जो डेटा साइंस जो कि अपना फैसिलिटेटेड बुक है, यहाँ पर मैंने इस डेटा साइंस को तो कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अपना क्या है भाई, अपना कंप्यूटर विजन, ठीक है, इसको भी मैंने ऑल ओवर कंप्लीट कर दिया है। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि अपना जो NLP यहाँ पर बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। NLP किधर गया भाई, NLP के अंदर ही लगभग मुझे बहुत कुछ करना है अभी। NLP है, इसके जो चार एप्लीकेशन है वो याद करने हैं, कुछ चैटबॉट्स के नाम याद करने हैं, और फाइनली ये कंप्लीट करने पे मेरा AI का सिलेबस हो जाएगा। तो देखो मेरा टारगेट क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखो टाइम की तरह, अभी टाइम हो रहा है 1948, मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा, टाइम हो रहा है 1948 मंडे 11 नवंबर। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं इस बुक को जो है वो आज, मतलब मेरा ये जो पूरा पूरी ये जो बुक है ना, इसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा आज, जितने ही पेजेस का मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बुक ही मेन आज जो है वो कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। ये बुक अगर कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है, कल मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह उठ उठ के मैं अपना जितना भी रेस्ट ऑफ द सिलेबस है इसमें इतने PDF वगैरह वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो लेट्स सी यार मेरा ये कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। साथ में अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़ की, वो जो मेरा वीडियो था भाई मैथ्स वाला, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन वगैरह बताए थे, तो भाई बहुत सारे लोग आप में से भाई बोल रहे हैं कि यार ये जो NCERT वाला जो पैटर्न है इसके क्या ये मतलब कन्फर्म क्वेश्चन है। देखो भाई कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उस वीडियो के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ रहे हो ना, यार मतलब जितने भी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके वो सब क्वेश्चंस है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस NCERT के अंदर से ही आते हैं, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि RD से आते हैं, बट वो जो RD से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो लॉट्स होते हैं, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। जस्ट आप बोल सकते हो कि RD से जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, RD से कभी भी हॉट्स आपको NCERT के सॉरी स्टैंडर्ड पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, तो उतना टेंशन मत लो। और मेनली आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, जो सैंपल पेपर मिल रहा है उसको कंप्लीट कर लेना है, और अपना जो अपना NCERT मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया बस वो कर लो, ठीक है। गारंटी 110% श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपको 60 से 70 के बीच में तो आसानी से आएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप RD शर्मा भी कर रहे हो प्रैक्टिस, और जो RD अग्रवाल वो सब भी कर रहे हो, तो 80 या फिर 70 से ऊपर कंफर्म है, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लो। बस आप लोग ये देखो, अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो मैंने जो जो बोले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सैंपल पेपर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बोलो, आपको 60 70 100% आएगा कंफर्म है। और अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप RD शर्मा नहीं करते हो बट अभी आपका मैथ्स में आराम से 60 70 आ जाता है, तो आप लोग RD शर्मा भी करना चालू करो, और जो तुम बोला है वो स्टेप्स वगैरह पूरा करो, आराम से मैथ्स में जो मार्क्स है वो आएंगे। तो ये तो जस्ट भाई क्योंकि जो बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, तो मैं सोचा इस वीडियो में क्रिएट भी जो आपका कंफ्यूजन है जो उसको मैं क्या करूँगा सॉल्व कर दूंगा, तो वो मैंने कर दिया है। बाकी इस वीडियो में भी थोड़ा मैं पढ़ भी लेता हूँ, क्योंकि आपको भाई बताना है मुझे एक चीज़ है, तो पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ कुछ देर के अंदर, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है आपको मैंने बताया, 1949 हो रहा है, तो थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने अपना AI का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं, मेरा एक ही चैप्टर बचा था। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ एक मिनट, तो गाइस आप लोग देख पाओगे 20:15
मेरा हो रहा है अभी, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मेरा सिलेबस अब जाके कंप्लीट हो चुका है फाइनली। वैसे तो मेरा कल जो है वो स्कूल है और मेरा AI का सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहूं तो कल स्कूल जा सकता हूं, बट देखो प्रॉपर तरीके से नहीं, क्योंकि देखो भाई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एज अ मतलब बोल देखो तो, लेकिन मैंने अभी बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं ना जिसको मैंने अच्छी तरीके से देखा नहीं है। जैसे होता है ना कि आप एक बार मतलब अगर आपको टाइम मिला तो रीड कर लेते हो, फिर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को देख नहीं पाते, तो वही अभी केस है मेरा। तो मैं अभी कल जो है मेरा देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कल से कल 2 से 3 घंटे का ही काम है, बट मुझे एक्चुअल में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिकॉज देखो कोई आने वाला भी नहीं है स्कूल, तो सब लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाता है और जो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी उतना कुछ रीज़न देखो स्कूल में कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाता सही से, वो आप लोग भी जानते हो, इसलिए भाई घर में रहना ज़रूरी है। बाकी भाई कल मैं एक लाइव करूँगा आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं आपको साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आप लोग उस हिसाब से अपने से डिसाइड करना है कि इंपॉर्टेंट क्या है या फिर क्या नहीं है, ठीक है। तो वो लाइव मैं शायद से कल शाम में 8 बजे से करूँगा, तो अगर देखना हो तो आ सकते हो, बाकी अगर बिजी हो तो भाई पहले पढ़ाई कर लेना उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं देखो ज़्यादा नहीं करूँगा, आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का इस तरीके से कुछ करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा जितना पॉसिबल पेपर हो सके मैं आपको सारे पेपर्स दिखाऊंगा, ठीक है, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं मैं इसमें सारे दिखाऊंगा उस लाइव के अंदर ही, ठीक है। तो और बाकी मैं आपको लाइव क्वेश्चनिंग भी करूँगा उस सेशन के अंदर, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा मैं, अगर अभी अपना AI का सिलेबस कल 8 बजे से पहले तक कंप्लीट कर लेता हूँ तो तब तो डेफिनेटली आपके लिए मैं वो सेशन लेके आऊँगा। देखो भाई मेरा ऐसा एक्चुअल में बात ये है ना कि देखो सबका रिविजन हो जाएगा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा साइंस के इधर उधर रैंडम सोर्सेस वगैरह से या फिर रैंडम मतलब किसी भी क्वेश्चन चैप्टर से मैं पूछूंगा तो मेरा भी रिविजन होगा और आप लोगों का भी रिविजन होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट वगैरह में आंसर कर सकते हो लाइव चैट के ऊपर। बाकी अगर आपको लगता है कि साइंस का रिविजन छोड़ो आप डायरेक्ट पेपर दिखा दो तो वो भी आप बता देना। तो आज का वीडियो ऐसा कुछ मुझे आपको जस्ट बताना था, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। देखो भाई क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही शायद से लाइव करूंगा और फर्स्ट टाइम लाइव मैंने करने का मेरा देखो इरादा भी नहीं था, बट आप में से बहुत लोग बोले कि प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन का जो अपना रिव्यू है वो करा दो। भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ मैं कल एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली मैं एकदम 8 बजे के आसपास ही जो है वो लाइव आऊंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लेना अगर आप लाइव देखोगे मुझे, और आप लोग में से भाई बहुत सारे बंदे रहेंगे तो क्वेश्चनिंग सेशन में मजा भी आएगा और साथ में आप लोग जो है वो क्या कर पाओगे मतलब देखो क्वेश्चनिंग सेशन भी हो जाएगा और साथ में जो इतना पेपर वगैरह सब सब्जेक्ट का तो नहीं, एटलीस्ट साइंस का प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर दिखा दूंगा या फिर मैं आपको सारे सब्जेक्ट का भी दिखा सकता हूँ, तो आप लोग जैसा बोलोगे वो हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं एक और से मैं आपको बताता रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा हो गया है, प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो अपना ये था मतलब प्रॉब्लम देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप में से भाई बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था और मुझे अच्छे से क्लियरली तो नाम याद नहीं है, लेकिन ये जो बुक आप देख पा रहे हो जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यार बहुत ज़्यादा ही मतलब ये वाला बुक देखो, ठीक है, ये अपना सुमिता अरोड़ा का बुक है जो कि इसका कोड है 417, ठीक है। मैं आपको बुक का इंटरफेस दिखा रहा हूँ ये वाला बुक का, ठीक है, ये AI का बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट प्रॉब्लम क्या हो गया है अचानक से भाई जो मेरी AI के टीचर है उन्होंने भाई आज ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो एक NCERT का जो बुक है वो भेजा है जो कि भाई एकदम एग्जैक्टली यही सारे कंटेंट्स उसके अंदर भी है बट वो NCERT का बुक है। तो अब मुझे समझ एक बात नहीं आ रहा है कि देखो भाई क्योंकि भाई परसों ही अपना जो AI का प्रीबोर्ड्स वन है वो है और अचानक से NCERT का वो बुक आया, तो वो तो पॉसिबल है ना कि NCERT का 128 पेज का हम लोग प्रिंट आउट निकाल के सारा पढ़ भी ले, तो वो तो पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से तो हम लोग को यही पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया इसके कंटेंट और उसके कंटेंट को, मैंने थोड़ा दिमाग वगैरह लगाया मतलब चेक किया जस्ट कंटेंट को, तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग NCERT को ही फॉलो करेंगे क्लास 10 में, तो क्लास 10 में या क्लास 6 से ही NCERT को फॉलो करते आ रहे, तो दिक्कत ये है ना कि भाई उसमें कंटेंट्स थोड़े चेंज है और मेरे क्लासमेट्स भी थोड़े डरे हुए। बाकी मैंने भाई थोड़ा रिलीफ दिया सब लोगों को और मेरे दोस्त लोगों ने भी बहुत लोगों को रिलीफ दिया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो अब देखो हम लोग भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, हम लोग भी श्योर नहीं है, बट बोलते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो हम लोग अभी यही उम्मीद बना रहे हैं क्योंकि देखो प्रीबोर्ड्स वन है, अगर आपके स्कूल में प्रीबोर्ड्स वन होने वाला है या हो रहा होगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है जिस बुक से उसी बुक से आएंगे, बट बोर्ड्स में क्या होगा NCERT का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मुझे भी वही लगता है कि अभी फिलहाल प्रीबोर्ड्स वन और प्रीबोर्ड्स टू में तो ये बुक का यूज़ होगा, लेकिन जो अपना बोर्ड्स होगा उसमें अपना जो NCERT का बुक है वो भी होगा। तो भाई मैं आपको कल बहुत सारे बुक्स का रिव्यू भी कराने वाला हूँ, बुक्स का रिव्यू मैं इनकेस वो बुक का मैं आपको एडवर्ड नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला मुझे कि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बुक्स का मतलब कि मैं प्रीवियस ईयर के बुक्स का दिखाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के बुक्स का भी नहीं बोलूंगा मतलब NCERT का इस साल का जो फैसिलिटेटर बुक है जो कि AI का मिला हुआ है, जिन जिनको नहीं मिला तो आप लोग देख लेना, मैं आपको बुक वगैरह नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ गिव अवे वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस सिंपल सा भाई एक बात है कि मैं कल जो है वो आपको मतलब इंपॉर्टेंट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, क्लियर का इन केस के आप लोगों को जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर से वो दिखा दूंगा, साथ में ही जो अपना सैंपल पेपर वो भी दिखा दूंगा, बोर्ड्स का इस साल का सैंपल पेपर क्या है
बोर्ड्स का नहीं, प्री बोर्ड्स का, ठीक है? और बोर्ड्स का हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक और चीज़ की, अपना जो AI अगर आपके स्कूल में चलता है तो वो बता देना। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके स्कूल में क्या चलता है, AI चलता है, IT चलता है, फिर क्या चलता है, वो कमेंट करके बता देना। और जस्ट उसको चीज़ को बता देना, उस बेसिस पर मैं जो है इसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को क्या बुक अभी आपको करना है और क्या करना है। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो NCERT को अगर आपके बुक में अभी, अच्छा आपके स्कूल में मतलब आज ही या कल में या फिर कुछ दिन में भेजेंगे आपके स्कूल में, फिर पहले भी आ चुका है, तो उसको बोर्ड्स तक ही रखो, बोर्ड्स में काम आएगा। क्योंकि देखो बोर्ड्स में ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि NCERT तो हर स्कूल फॉलो करे तो वही होगा। तो इसलिए यार टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी अगर आपका प्री बोर्ड चालू नहीं हुआ है तो मन लगा के पढ़ो, मेरा चालू हो चुका है, मैंने पढ़ भी लिया लगा मन लगा के। तो अब वैसे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मेरे से पूछते हो, देखो 8 बजे अब मैं थोड़ा सोने जाऊँगा, मुझे नींद आ रहा है, तो मैं जैसे सोने चला जाऊंगा, अगर मैं उठूंगा तो आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बाकी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि कल सुबह मतलब कल शाम में 8 बजे एकदम एग्जैक्ट आ जाना, अगर मैं पढ़ लिया तो कंफर्म डेफिनेटली आप लोगों को भाई पेपर्स का रिव्यू कराऊंगा। बाकी मैं पढ़ लूंगा उसका टेंशन मतलब, बस 8 बजे आप लोग लाइव में आना और देखना कैसे मजा आता है, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, और मैं कल इंतजाम वगैरह भी कर लूंगा। और एक कमेंट भाई एक चीज़ और बता देना कि आप लोग वो जो पेपर्स होंगे उसको आप लोग PC के ऊपर मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करा दूंगा या फिर जो अपना फोन है उसके ऊपर ही आप लोग देख लोगे, तो वो चीज़ बता देना बस। चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोग स्वस्थ रहे।